हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और आज हम हैं मसूरी के अंदर। सामने जो आप होटल देख रहे हो वो है गो स्टॉप, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही रीजनेबल है। प्राइस सुनोगे तो हिल जाओगे गाइस। रूम्स देखोगे आप, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, हिल जाओगे। 500 रुपीज़ का है रूम। और ये जो लाइब्रेरी रोड है इसके ऊपर है। आप पहले व्यू चेक करो गाइस, व्यू देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। सामने का व्यू, सामने बास्केटबॉल का वो है ग्राउंड, अंदर। ये सामने होटल है और मैं आपको थोड़ा सा व्यू उसका चेक करवा देता हूँ, कहाँ पे रिसेप्शन है, कैसे आपको एनरोल करना है। और आ जाओ, अब हम चल रहे हैं रिसेप्शन की तरफ, जो कि यहाँ पे सब कुछ ऑफलाइन होता है। बाकी आज जो चीज़ें वो रिसेप्शन वाले भैया आपको समझा देंगे। तो आज भाई से दिखाते हैं यहाँ पे रिसेप्शन। तो दिस इज गो स्टॉप मसूरी रिसेप्शन। और मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था यहाँ पे, और ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता। बट यहाँ की जो फैसिलिटीज है अमेजिंग है। मेरा सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम मैंने गाँव में आया था, बट मैंने सोचा था कि मैं सेकेंड टाइम जाऊंगा तो डेफिनेटली यहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ की फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी इज वेरी गुड। और अब जब मैं रूम दिखाऊंगा आपको तो आप डेफिनेटली पसंद करोगे। और जो प्राइस है नॉर्मल प्राइस है, बहुत कुछ बहुत हाई फाई प्राइस नहीं है। बट जो जिस प्राइस के अंदर जो यहाँ पे फैसिलिटी और हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, दैट इज रियली अमेजिंग। अब चलते हैं भैया के पास, भैया से पूछते हैं क्या कहते हैं। तो सर यहाँ पे ऑनलाइन का बता दीजिए, ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको मोबाइल तो गाइस प्लीज ऑफलाइन नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप आके ऑफलाइन बुकिंग करेंगे तो नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने भी फर्स्ट जब मैं आया था तब मैंने ऑफलाइन सोचा था कि वहीं जाके सीधा बुक करूँगा, बट आप यहाँ पे भी आके भैया से पूछ के ऑन पर बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अपने फ़ोन से पे भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, कोई कैश पेमेंट नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा है। अब हम ऊपर चल रहे हैं। और अच्छा, कार का पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी पार्किंग है यहाँ पे। और कुछ नए फीचर्स जो बता सकते हैं यहाँ पे, गेम्स भी मिल जाते हैं गाइस। आप अपना ग्रुप के अंदर अगर आ रहे हो तो यहाँ पे आराम से गेम्स भी खेल सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको वो गेमिंग एरिया भी अभी। और हम ऊपर चल रहे हैं अभी, और मैं आपको पूरा टूर कराता हूँ अपने इस होटल का। तो गाइस अब चल रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पार्किंग लॉट। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी, बाइक्स कुछ भी पार्क कर सकते हो, जो भी आप लेकर आ रहे हो। बाइक और गाड़ी नहीं भी लेकर आ रहे हो तो भी आपको यहाँ पर स्कूटी हायरिंग, मतलब आप यहाँ पे आके हायर कर सकते हो आपके स्कूटी से, ठीक है। अभी जो हायरिंग रेट चल रहा है नवंबर के अंदर, जैसे नवंबर 18, और जो रेट चल रहा है वो है 500 रुपीज़ टू 700 रुपीज़। गाड़ी का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी गाड़ी यहाँ पे आके हायर करी, मैं आप ऊपर लेके चल रहा हूँ। पहले गेम्स वाला ही आएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका अगर आप पेट लवर हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉग्स देखने को मिलेंगे। एक बैठा हुआ है और एक स्टेयर्स पे भी है वो बैठा। तो इफ यू आर अ पेट लवर, आपको यहाँ पे डॉग्स के बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर रात को सब अपना डिनर भी करते हैं, यहाँ पे गेम्स भी खेलते हैं, यहाँ पर कैरम बोर्ड लग जाता है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लग जाती है रात को। किसी को लूडो खेलना है, लूडो भी खेल सकता है। आप यहाँ से व्यू देखो, आप सामने व्यू देखो, व्यू चेक करो भाई, बहुत ही ऑसम है। और ऐसे कपड़े उतारो यहाँ पे आके सर्दियों में, और ऐसे बॉडी वॉडी थोड़ी चमकाओ यहाँ पे आके। तो भाई व्यू चेक करो, व्यू बहुत तगड़ा व्यू है यहाँ का। जो मैं इसके प्राइस बताने वाला हूँ ना गाइस, प्लीज वीडियो में बने रहना। जो प्राइस बताने वाला हूँ ना, प्राइस सुन के आप हिल जाओगे, कपड़े पहन लो ना ठंड लग रही है। कपड़े पहन लिए, अब हम चल रहे हैं रूम के अंदर। आ जाओ,
अभी सुबह का टाइम है इसलिए सब हो रहा है, क्लीन हो रही है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपके इसके लॉकर्स जो हैं, लॉकर्स भी अच्छे हैं काफ़ी। ये लॉकर है, ये मेरा लॉकर है, इधर देखो सामान कितना सारा है मेरे लॉकर में। बाकी सारे लॉकर लॉक्ड है, बाकी अपना सामान रख के चले गए नीचे। तो गाइस ये जो है व्लॉग, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते बट चीज़ें अच्छी मिले, लाइक क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीन है हाइजेनिक। वॉशरूम इज़ रियली गुड। आ जाओ, पानी मतलब पूरे टाइम गर्म पानी आता रहता है, वॉशरूम इज सो क्लीन, और गर्म पानी, शावर जेल, हैंड वॉश भी देखो सब कुछ लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब 500 रुपीज़ है तो बिल्कुल, मैंने 500 वाले रूम भी देखे हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गंदे, बेहद ही, मतलब मैं क्या बताऊँ मैंने कैसे टाइम निकाला है वहाँ पे, बट यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है जस्ट 500 रुपीज़ के अंदर। हाँ, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो थोड़ा सा इशू है, या आप अपनी फैमिली के साथ इशू है, बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो इससे बेस्ट चीज़ नहीं मिलेगी पूरी मसूरी के अंदर, पूरे मसूरी में बोलो नहीं मिलेगी। बट हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ है। अच्छा, मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा दूँ कि यहाँ से जो रूम का जो व्यू और जो सनलाइट आ रही है सुबह सुबह, दैट इज रियली ऑसम। बाहर मेरे कपड़े टंगे हुए हैं तो प्लीज माइंड मत करना, आप सिर्फ व्यू देखो। सामने कोर्ट दिखाओ प्लीज जूम करके। गाइस कोर्ट देख सकते हो सामने, बास्केटबॉल कोर्ट है और आई थिंक टेनिस कोर्ट भी होगा। और अभी हम जिसके बाद जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट, तो जॉर्ज एवरेस्ट पे जाके अब ब्लॉग बनेगा। बाकी मैंने ये होटल का ब्लॉग बना दिया। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ डाल दूंगा, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस स्टे स्टे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और मेरे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं मसूरी के लिए। तो गाइस जो भी आप ये ब्लॉग देखेगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएंगे नेक्स्ट आपको किस मसूरी में किस पॉइंट पे किस कैफे पे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसके ऊपर मैं ब्लॉग बना सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।